आज सेशन में तुम लोगों के लिए कुछ खास रहने वाला है तो लेट्स चेक इट आउट आज के सेशन में क्या खास रहने वाला आई रेडी तो एक बार थम्स अप लगा के बता देना यस मैम वी आर रेडी एंड वंस यू आर रेडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन ऑल दोस हु आर न्यू एंड वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम माय नेम इज आयशा राशिद एंड आई एम सर्टिफाइड ट्रेनर इन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज और हमें 9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सो यू आर ऑन द राइट प्लेटफार्म आप बिल्कुल सही प्लेटफार्म पर हो बस जैसा कह रहे हैं यहां पर टीचर्स अगर आप वैसा कर रहे हो आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता है सो लेट्स गेट स्टार्टेड फटाफट से आज क्वेश्चंस के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर 3 पी एम, देखो दोपहर तीन बज रहे हैं यहाँ पर आप लोगों की डेली प्रैक्टिस होती है एंड यू हैव टू बी हियर ठीक है प्रैक्टिस करना है तो दैट शोज हाउ सिंसेर यू आर कितने ज्यादा सिंसेयर है और इस क्लास में दशहरा के बाद से और बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है थ्री पी एम मतलब थ्री पी एम एंड यू विल रियली लव इट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर राइट सो लेटसी शुरू करते हैं और यहाँ पर तुम लोगों के लिए दशहरा ऑफ़र चल रहा है अगर तुम्हें इंतज़ार था तो बेटा ये दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू कैन अवेल राइट सो so, हम लोग यहाँ पर डेली मेरी थ्री पीएम पर क्लास होती है दोस्त थ्री पीएम मतलब थ्री पीएम पर क्लास होती है और यहाँ पर हम लोग डेली प्रैक्टिस ऑम oh आ गॉड डेली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं सो so, आप लोग भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हो दोस्त एक मिनट लेटमी से पेन यहाँ पर डेली आप लोग क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में हम लोग यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं ठीक है मिसलेनियस क्वेश्चन से कहने का तात्पर्य है कभी आरसी रहेगा आप लोगों के लिए कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहेगा कभी फिलर्स के क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए कभी एरा डिटेक्शन रहेगा कभी वर्ड स्वैप रहेगा राइट सो मिसलेनियस क्वेश्चन से मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है ओके okay. uh, आज की क्लास में भी आप लोगों के लिए फिलर के क्वेश्चंस हैं और आज की क्लास में सबसे बड़ा सरप्राइज भी आप लोगों के लिए है जो कि आप लोगों को लास्ट में पता चलने वाला है सो so, uh, देखो यहाँ पर अभी तुम लोगों का टाइम जो है बजे का मतलब आज पहला तुम लोगों की स्क्रीन पर होने वाला है बिफोर गोइंग एहर आई जस्ट वॉन्टेड यू जेंटल रिमाइंडर ऑल टाइम यहाँ पर हम लोग क्विज कैसे करते हैं फॉर ईच क्वेश्चन 45 सेकेंड्स आप लोगों को मिलेंगे बेटा 45 सेकेंड्स मिलने वाले हैं और साथ में E इज इक्वल्स टू ए लगाना होता है ये E इज इक्वल्स टू ए क्या है मैम अगर पोल में आप लोगों को लग रहा है ऑप्शन E आंसर है तो वहां पर आप लोगों को A लगाना पड़ेगा तो एक बार जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स बोल देंगे रेडी आर यू गाइज रेडी हाउ इज द जोश एवरी वन रेडी आज तुम लोगों को कुछ एक्साइटिंग में मिलने वाला है तो तुम लोग जल्दी जल्दी से एवरीबडी अंगूठा लगा देने का नो कंजूसी अंगूठा लगाने में ठीक है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो फटाफट फ़ड़ से एक बार साहब को बुला लेना है और फिर देखते हैं और तुम लोगों ने अगर बच्चों को नहीं बुलाया तो सरप्राइज को ऐसे ही करके नेक्स्ट क्लास के लिए पोस्टपोन कर देंगे भी भी हो सकता है। है? ये भी हो सकता सकता है है so, है ठीक सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मीनाक्षी अभिलाषा नीरज शुरू करा जाए आज का सेशन यस yes, मैम अगर आप सेलून शुरू कर दिया जाए आज का सेशन सो so, ऐसा नहीं है फेस्टिवल में इतना बिजी हो जाए मतलब पढ़ना ही नहीं है ये काम नहीं करना है लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन फॉलोइंग फॉलोइंग विद थ्री वर्ड्स चूज अमंग द वर्ड व्हिच रिफ्लेक्ट्स इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस करेक्टली ठीक है तो यहां पर नीरज तुम्हारी क्यों इतनी हंसी आ रही है भाई क्यों आ रही है इतनी सो बेसिकली यहां पर एक क्या दिया हुआ है ब्लैंक दिया गया है और तुमको उस ब्लैंक में करना क्या है तुमको ये बताना है कौन सा वाले वर्ड या वर्ड, वर्ड यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं या तो ओनली ए होगा या ओनली बी और सी होगा या ए एन बी होगा या ओनली ए एन बी होगा और आपका काम यह है कि आपको बताना है कि भाई यहाँ वाला कौन सा वाला सही बैठ रहा है राइट लिखा हुआ जस्ट आस्क एनी प्रेजेंट डे किसी भी तुम सेलिब्रिटी से पूछ लो हु इज डैश बाय जो कि घेरा हुआ है किससे पेपराजी से ऐसे बस जहाँ बाहर निकले नहीं जो है मीडिया जो है बस कैमरा लेके अरे बडाम अरे मलाइका मैम मलाइका मैम मलाइका मैम आगे भागी जा रही है ओ मलाइका मैम मलाइका मैम ठीक है तो ये हो रहा है सो जस्ट आस्क एनी प्रेजेंट डे सेलिब्रिटी हु इज डैश बाय पापराजी तो यहाँ पर लिखा हुडेड बाय या मूव्ड बाय या पिसुएड बाय सो फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ लेट मी चेक सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन कौन देता है ए हो जाएगा ओके लेट्स सी वेरी गुड ई इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा ओके हर्ष ओके अभिलाषा दैट्स वेरी नाइस चलो लेट्स सी यहां पर करेक्ट आंसर्स क्या होने वाला है यहां पर लिखा हुआ है जस्ट आस्क एनी प्रेजेंट डे सेलिब्रिटी जो की डैश लिखा हुआ है यहाँ पर तुमको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए अब मजे की बात तो ये है ये भी थर्ड फॉर्म है ये भी थर्ड फॉर्म है और ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है थर्ड फॉर्म है अब आपको क्या करना पड़ेगा मीनिंग के अनुसार इसको देखना पड़ेगा और उसके बाद लगाना पड़ेगा लिखा हुआ जस्ट एनी प्रेजेंट डे सेलिब्रिटी हु इज हुडेड बाय बाय का मतलब होता है फॉलोड बाय और चीज बाय किसके पेपर आर्टी से ठीक है तो ये हुडेड बाय भी हो सकता है

सो so, बताओ यहां पर क्या होगा आउटकम वन दैट आवर्स यू सर्वाइविंग एंड द सोल एम्बेडेड इन योर हेड नॉट इनवॉल्व होगा या कंडक्ट होगा सो लेट्स ई वाला मैम समझ में आ गया ना ए हो जाएगा ईज इक्वल्स टू एमुनी अभिलाषा हर्ष सबने सही आंसर दिया वेल well डन तमुन तनू तो ये रहा तुम लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ लेट्स सी बी हो जाएगा अरे गजब भैया जी बहुत बढ़िया सबसे पहले ये आंसर कौन दी है इच्छा ओके अभिलाषा अभिलाष माय गॉड तुम लोग अमेजिंग आंसर्स दे रहे हो वेल डन ब्रो वेल डन बहुत बढ़िया ब्रो वेल डन तानु यामिनी अभिलाषा ओके मुस्कान वेरी गुड आयुष तो, ओके मीनाक्षी वेल डन ठीक है मुझे सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है आयुष वेरी वेल डन वेरी वेल डन बी हो जाएगा ठीक है सो so, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने बोला है बी होगा लेट्स चेक इट आउट बेटर आई हैव अ प्रेफर्ड आउटकम हम वो रिजल्ट चाहते हैं वन दैट जो क्या करेगा आवर्स यू सर्वाइविंग जो क्या करेगा आवर्स घंटों की बात करी गई है घंटों यू सर्वाइविंग वन दैट इन्वॉल्व जो क्या करेगा इन्वॉल्व करेगा तुम्हें सम्मिलित करेगा आई हैव प्रफर्ड आई हैव प्रेफर्ड आउटकम जो क्या करेगा वन दैट

So let's get to the next question. Oh my God! Now oh my God! what do? In the following question, five sentences. In the following question, five sentences are given with a phrase highlighted. These phrases may or may not be correct. Follow the sentences of four phrases from which one phrase will replace the incorrect phrase. The number of that correct phrase will be your answer. If the phrase is correct, then option E, no replacement required. अब तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब और और तुमको options दिए गए, तुमको गहराई से पढ़ना. Basically, what guys you have to do? यहाँ पर basically करना क्या होगा? यहाँ पर तुमको एक highlighted phrase लिखा के दिया गया है, ठीक है? तुमसे कहा गया अगर ये ठीक है तो तुम लगा दो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड बट तुमको लगता है नहीं मैम ये तो नहीं सही है यहाँ, कुछ तो छेड़खानी करनी ही पड़ेगी तो यहाँ पर जो तुमको लग रहा ये हो सकता है ये 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 हो 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 सकता 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 है 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 है। मिलेंगे कौन आंसर देगा हम ओके सो रीडिंग करना शुरू करो प्रणाम ठीक है भैया जी ओके okay, सोनम जी ऑल दो ऑफ द प्रेज ही हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही रिमेन हंबल्ड एंड फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग कौन सी अपनी स्किल्स वेरी गुड ए हो जाएगा सी हो जाएगा वेरी गुड टाइमर चल गया या नहीं चल गया ई ना हो ऐसा आंसर बता दिया टाइमर ना चलाओ तो बैंड बच जाएगी अरे तनु ऐसे क्यों What happened? C हो जाएगा तुम लोगों के लिए आज कुछ एक्साइटिंग चीज लेके आई है मैम ए हो जाएगा ओके वेल डन ए हो जाएगा सबने ये आंसर लगा दिए लगा दिया जाए यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा ए ठीक है बेटा गलत हो जाएगा तुम लोग गलत कर दिए हो ए लगा के गलत कर रहे हो तुम लोग नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं होगा ऑल दो ऑफ Although के साथ ऑफ नहीं लगेगा ठीक है प्रेज ही है या तो कॉमा लगता है Although के साथ ठीक है? के साथ या तो हम क्या लगाते हैं कॉमा लगाते हैं या हम क्या लिखते हैं इनमें से एक चीज लिखते हैं या तो कॉमा यहाँ पर लगा दिया या तो हम क्या लगाएंगे येट लगाएंगे ठीक है जैसे हमने बोला सपोज करो सब एग्जाम्पल हमने बोला ऑल्डो ऑल दो She is poor. शी इजर ऑल्ज पुअर या हम क्या लगा सकते हैं सकते हैं या कौमा लगा सकते हैं she is poor, yet she is yet she is honest. फिर भी वो क्या है गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है वो honest है वो क्या है ईमानदार है तो although के साथ में हम हाँ यहाँ पर क्या लगता है ऑल्दो के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं येट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं क्या लगाते हैं येट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं ऑल्दो शी इज पुअर शी इज ऑनेस्ट सो यहाँ पर तुम लोगों को ऑल्दो ऑफ तो होगा नहीं नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होगा नहीं और तुमने ऑफ लगा दिया डेस्पाइट के साथ में डेस्पाइट अपने साथ कभी भी ऑफ नहीं लेता है डेस्पाइट के साथ कभी भी हम लोग ऑफ़ नहीं लगाते हैं डेस्पाइट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ऑफ समझे कि नहीं समझे यहाँ

डेट ऑफ समझ में आ गया कि नहीं आया हाँ हाँ समझ में आया आप बताओ यहाँ पर सेकंड uh, वाला भी नहीं होगा वेदर के साथ में और लगता है बेटा डेस्पाइट द प्रेज प्रेज तारीफ होने के बावजूद भी तारीफ ही रिसीव्ड फॉर डिस्पाइट द प्रेज ही रिसीव्ड फॉर हिज़ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन उसके बावजूद भी वो क्या रहा ही रिमेन हम्बल्ड और फोकस उसकी इतनी तारीफें हुई हार्डवर्क के लिए डेडिकेशन के लिए वो क्या रहा वो एकदम बिंदास रहा ही रिमेन हम्बल्ड एंड फोकस तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है यहाँ पर क्या हो जाएगा डिस्पाइट द प्रेज ही रिसिव फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही रिमेन्ड हम्बल एंड फोकस किसके ऊपर लेके इम्प्रूविंग द स्किल्स तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए uh... तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर शी इज पुअर फिर भी दिखाने के लिए वो क्या है ईमानदार है यहां पर लिखा हुआ है वो हार्डवर्क और यहाँ पर लिखा हुआ है हम्बल ही वो रहा तो हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना है के बावजूद दिखाना है कि भैया वो इसके बावजूद भी वो क्या रहा इतनी तारीफ होने के बावजूद भी वो कैसा रहा ही रिमेन हम्बल एंड फोकसड यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दिया जाए दोस्त ऑप्शन सी देखा जाए भाई 50 लोगों ने सही लगाया था वेरी गुड सबसे पहले किसने लगाया था यामनी मिनाक्षी, well हाँ। चलो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताना ये तुम लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है तुम सारे बच्चे कर लोगे सो so, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ठीक है और तुम लोगों के लिए आज कुछ खास भी लाए हैं हाँ ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोगों का

तुमको बताना है इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना होगा और यहाँ पर लगाना होगा सो so, नीरज प्लस वन क्यों सी राइट आंसर है तो प्लस वन तुम्हें क्यों मिल जाएंगे कैसे मिल जाएंगे जरा ये बताओ गलत करे हो तो फिर तो बात ही लगे ए तुम सब लोगों ने मेजोरिटी ने ए लगा के रखा था आंसर उसमें अभी समझ में आ गया है कि नहीं आ गया वो वाला क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं रह गया डेस्पाइट के डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा और दो के साथ में और दो के साथ में हम हमेशा यह लगाते हैं येट लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं एनी बिडी एनी डाउट नीरज अभिज्ञान और प्रोमैक्स सोनम समझ में आ गया कैन वी गो ahead आगे बढ़ा जाए इस क्वेश्चन के लिए टाइमर दिया जाए टाइमर दिया जाए तो बोल दो यस yes, मैम एक बार अंगूठा या अंगूठे में कंजूसी नहीं करनी जल्दी से एक बार अंगूठा लगा देना है सारे बच्चे लगा दो अंगूठा जल्दी से एक बार मेक इट फास्ट हम्म मैम सिक्सटी सेकेंड चाहिए रहेंगे ठीक है चलो आई विल बी क्वाइट सिक्सटी सेकेंड्स आराम से सॉल्व करेंगे चलो साइड में हमें और आई एम रीडिंग योर कॉमेंट्स वेरी गुड गलत आंसर्स दे दिए हैं तुम लोगों ने गलत आंसर्स दे रहा हो बेटा बखूब भी तुम लोगों ने गलत आंसर्स दे दिए हैं हम्म डी वाले बच्चों ने तो बिल्कुल गलत लगा दिया बेटा कैसे गलत लगा दिया इतना भयंकर तुमने गलत लगा दिया देखते साथ ही तुम कह सकते हो मैम नहीं होगा चलो जो तुम लोग बी वाला बे डी वाला तुम लोग जो बोल रहे हो डी वाला कैसे लगा दिया बेटा डी वाला वी सैट बिनाबल्ड बाय द बिनाबल्ड का मतलब होता है कोई इमोशन नहीं कोई फीलिंग्स नहीं इमोशन लेस उसे हम बोलते हैं बिनाबल्ड टाइम ट्रेवल वॉज अन इमेजिनेबल और वो अनबेरेबल थी ये तो नेगेटिव टोन है न ठीक है ये तुम्हारा नेगेटिव टोन है तो ये तुमने डी के से लगा दिया है भाई और यहाँ पर लिखा हुआ एंड स्लोली एंड स्टेडली द एटमोसफियर ग्रू स्केल एंड लॉस्ट ऑल द वाइब्रेंसी इट हैड सारी ये भी क्या है नेगेटिव टोन है ये भी क्या है नेगेटिव है तो ये पैराग्राफ तो पॉजिटिव टोन में बात कर रहा है तो ये दो तो ऑप्शन तुम देखते साथ ही कह सकते थे कि भाई ये तो नेगेटिव टोन है ये तो नहीं आ सकता वार्म अप चल रहा है मैम ठीक है दैट इज वेरी नाइस और लेट में तुम क्यों आए हो मिस्टर वेर वेर यू ठीक है मैम बड़े बड़े क्वेश्चन करवाइए बड़े क्वेश्चन करवाना शुरू करो तो हम क्लास में करना ही नहीं चाहते हैं चलो बबाई हो जाता है बीच में यही करते हो तुम लोग तुम लोग खुद लो ही देखना नहीं चाहते हो मैम खतरनाक पैटर्न तो मैम ही नहीं करना सॉल्व करना चाहते हैं <laughs> गरम होते हैं टाइम लगता है मैम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने सही कर दिया तो मान गए भाई तुम लोग बिंदास हो तुम लोग हो चौकस ए और डी तुमने एलिमिनेट कर दिया सबने यहाँ पर ए और डी लगाया था ठीक है Uh, यहां पर क्या लिखा हुआ है तुमने ए और बी क्यों एलिमिनेट करा सॉरी ए और डी क्यों एलिमिनेट करा एंड स्लोली ये नेगेटिव टोन है हमारा सेंटेंस क्या है वी वर हेयरिंग द टाइम ट्रेवलर एक्सप्लेन अ अन्टेड टॉपिक हिज ग्रे आईज पेल वाज फ्लश एंड एक्टिव ब्राइट फायर एंड डेलिकेट रेडियंस ऑफ इंक लाइट इन सिल्वर लिलीज अट्रैक्टेड ये पॉजिटिव टोन में फ्लैश एंड पाज इन अ कप्स हिज पेटेंट चेयर्स पेट एंड चेयर रादर देन being sat on and there was that delicious after dinner atmosphere when thought roams fluidly free of precision free of accuracy yahan par kya likha hua i caught philby's eye over the shoulder of the medical man and he winkled so ye yahan par i caught philby's eyes over the shoulder of the ye hamare context out of context ho raha hai ठीक है ये context में हमारे नहीं जा रहा है इसको एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर ई को भी ये दोनों क्या थे नेगेटिव थे Uh, अब यहां पर तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है बी हो सकता है या तुम्हारा ऑप्शन क्या हो सकता है सी हो सकता है ठीक है एंड ही पुट इट टू अस इन दिस वे मार्किंग द पॉइंट्स विद लीन फिंगर एज वी सैट एंड लेली हम लोग ने क्या करा एडमायर करा तारीफ करी हिज अर्नेसनेस ओवर दिस न्यू पैराडॉक्स एज वी थॉट इट एंड हिज अब देखो यहां पर ये यह जो है इसकी टोन और इसकी टोन यहां पर हम बात करें द टाइम ट्रेवलर एक्सप्लोर और कॉन्ज ग्रे ऐसी बात कर

सिर्फ so, क्या दे रहा है ऑप्शन नंबर बी सो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया ऑप्शन नंबर बी लगाया और देखते हैं ऑप्शन नंबर बी लो भैया किसी ने नहीं लगाया था सबने डी लगा दिया था भैया बेजती तुमने करी थी चलो अब यहाँ पर करने की कोशिश करो ध्यान से पढ़ना ये मेटाफिजिक्स के बारे में लिखा हुआ है आ स्पेक्यूलेटिव साइंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टैंड अलोन हालांकि इट वर्क्स विद मेयर नोशंस कुछ ही नोशंस के साथ में नॉट इंट्यूशन लाइक मैथमेटिक्स रीजन इज इट्स ओन स्टूडेंट दाइंस दाइंस फिर लिखा हुआ एंड इट वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव विदाउट द आर्किटेक्चर ऑफ मैथमेटिकल सपोर्ट दैट इट ड्रॉज इज इट्स इसने क्या करा है continue to baffle. Baffle का मतलब क्या होता है कंफ्यूज कन्फ्यूज किसको लोगों को ह्यूमन्स को बिकॉज ऑफ इट्स एब्सट्रैक्शंस ये बोल रहा है ये क्या करेगा बैफिल करेगा कंफ्यूज करेगा, करेगा मैन काइंड को कंफ्यूज करेगा बट इट हैज नेवर हैड एंड नेवर विल हैव द गुड फॉर्च्यून टू अटेन टू द श्योर साइंटिफिक मेथड इट किसके लिए लगा हुआ है मेटाफिजिक्स के लिए लगा हुआ है एंड इट वुड स्टिल सर्वाइव इवन इफ ऑल द रेस्ट वर स्वलोड अप इन द एबिस ऑफ एन ऑल रेस्ट ट्राइंग बारबरिज्म डॉगमेटिकोसीजर ऑफ रीजन इन प्योर कॉग्नेशन फॉर प्योर कॉग्नेशन मस्ट ऑलवेज बी डॉगमेटिक जाए जरा पढ़ के बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा रिलेट करने की कोशिश करना मेटाफिजिक्स के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पर उससे रिलेट करने की कोशिश करो नीरज आंसर दो बेटा गलत देर है बेटा ये पॉजिटिव पॉजिटिव तुमको बोल रहा है एंड इट वुड स्ट्रगल टू सरवाइव विदाउट ये ए वाला जो लगा रहे हो बेटा ए कैसे लगा दिया तुमने पॉजिटिव टोन है ना यहाँ पर सेंटेंस देखो क्या लिखा मैटा फिजिक्स है स्पेकुलेटिव साइंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्टैंड्स अलोन हालांकि इट वर्क्स विद मेयर नोशंस के साथ में नॉट इंट्यूशन लाइक मैथमेटिक्स रीजन द ओल्डेस्ट ये क्या है एक ओल्डेस्ट साइंस है किसकी बात कर रहे हो मैटा की बात कर रहे है, हो है ना तो जरा कोशिश करो ए नहीं होगा चलो चीटिंग कराया तुमको इतना ऑप्शन हाँ, डी हो जाएगा ओके लेट्स सी यहाँ पर टाइम्स अप है तो देखो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है कुछ तुम ऑप्शंस को आसानी से क्या कर सकते हो यहाँ पर तुम मेटाफिजिक्स की तारीफ कर रहे हो पॉजिटिव टोन है ठीक है ये पॉजिटिव टोन में जा रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि तुम स्ट्रगल करोगे तुम इस चीज से जूझोगे यहाँ पर कह रहा है तुमको ये कंफ्यूज करेगा ठीक है येट इट कॉन्टिन्यू टू बैफल कर रहा है कंफ्यूज कर रहा है ह्यूमन को ठीक है ये और ये तुमको नहीं हो सकते ना ही स्ट्रगल करवा रहा है ना ही ये बैफल्ड करवाएगा ठीक है और यहां पर क्या लिखा हुआ है तुम्हारा बट इट हैज नेवर हैव द गुड फॉर्चून Uh, यहाँ पर कह रहा है नेवर हैड ना ही कभी था और ना ही कभी होगा गुड फॉर्च्यून टू अटेन टू द श्योर साइंटिफिक मेथड ये भी नहीं तुम्हारा आंसर हो सकता क्योंकि ये भी नेगेटिव टोन की बात कर रहा है और यहाँ पर तो तुमसे बोल रहा है कि भैया ये तो एक पुरानी साइंस है और यहाँ पर अब तुम्हारा डी हो सकता है या तो सी इसमें लिखा है दिस क्रिटिकल साइंस इज नॉट ऑपोज टू द डॉगमेटिक प्रोसीजर्स ऑफ द रीजन इन प्योर कॉग्नेशन फॉर प्योर कॉग्नेशन मस्ट ऑलवेज ये क्या है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये तो कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं जा रहा है तो हमारा ऑप्शन क्या है एंड इट वुड स्टिल सर्वाइव ये ओल्डेस्ट साइंस है और अभी भी ये सर्वाइव कर जाएगी इवन इफ ऑल दर स्वोड अप इन तो यहां पर तुमने बात करी नेगेटिव टोन ये पॉजिटिव टोन के सेंटेंस है यहां पर तुम कह रहे हो ओल्डेस्ट साइंस है ठीक है थीके? यहां पर तुम कह रहे हो ये स्ट्रगल करेगा यहाँ पर तुम कह रहे हो सेकेंड वाले में कह ये लोगों को बैफिल कर रहा है ना ही ये कभी था ना ये कभी होगा ये भी नेगेटिव टोन है ये वाला तुम्हारा आउट ऑफ कॉन्टेक्ट चला जाएगा बट यहां पर तुमसे कह रहा है एंड इट वुल स्टिल सर्वाइव कर जाएगा तो यहां पर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी लगाया जाए आएगा और देखा जाए ऑप्शन नंबर डी ओह माय गॉड प्रो मैक्स मीनाक्षी तनु नीरज अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया भैया समझ में आया कि नहीं एक अगर समझ में आया है तो जरा एक बार अंगूठा लगा के तुमको बता देना यस yes, मैम जरा बता देना अंगूठा लगा के भैया जी समझ में कुछ-कुछ आया है तुम लोगों को हैं Uh, पोल तो एक बार लेता है आंसर बार बार थोड़ी ना लेगा तुम्हारा आंसर आप एक ही बार तो लेगा प्रो मैक्स अभी तुम लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग चीज लगा के आने जा रही है ये तुम्हारे लिए लेट्स लर्न आर यू रेडी फॉर दिस लेट्स लर्न के लिए तुम लोग हो तैयार तो बोल देना यस मैम वी आर रेडी अभी तुम लोगों के लिए अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन और लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तुम लोगों का लेट्स लर्न के लिए तुम लोग क्या हो तैयार प्लस वन हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा देखो अभी हम लोग यहाँ पर तुम लोगों के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि तुम्हारे लिए डेली डेली तुमको कुछ चीजें सर्टेन चीज़ें हम याद करवाना चाहते हैं ठीक है जैसे हमने आज तुम लोगों के लिए क्या लेके आए हम तुम्हारे लिए रूट वर्ड्स लेके आए हैं तो क्लास में तुम लोग धीरे धीरे रूट वर्ड्स भी याद करते रहोगे तुम्हारे पास अभी पांच नवम्बर है तो तुमको धीरे धीरे हर एक दिन चीज जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्लास में ही याद करवाना चाहते हैं देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए हमने लिखा हुआ है और एन ठीक है अब तुमको जैसे हम दो चीज़ें तुम लोगों से हमेशा कहते हैं कि तुम लोगों को ध्यान रखनी है कि तुम लोग जब भी वो कैबलरी याद करो वो कैबलरी इज़ नॉट लाइक यू नो ऐसा नहीं है कि तुमने, like, you know, कि तुमने एक बुक उठाई और तुमने याद करना शुरू कर दिया वो बेटा कभी पॉसिबल नहीं है और तुमको एग्ज़ाम में तुम्हारा जो काम है जो आपका काम है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको सेलेक्शन लेना और तुम्हारा कोई टारगेट ही नहीं है ठीक है सिर्फ तुम्हारा काम है कि तुमको क्या लेना है सिलेक्शन लेना है और तुम्हारा कोई काम है नहीं है ना अब तुमसे तुम वहां बैठोगे मैनेजर बन के तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा जरा ये बताओ ए सी ए सी आर इसका मतलब क्या होता है कोई पूछे भी तुम क्या भागो यहाँ से ठीक है तो तुम वहां पर उनको एंटरटेन नहीं करोगे बस तुमको यू हैव टू बी दिस मच स्मार्ट जब तुम वो कैबलरी याद करोगे तो दो तरीके से वो कैबलरी याद करो अगर तुमको यही सीरीज चाहिए है नेक्स्ट फिफ्टीन डेज यानी कि ए से सारे रूट वर्ड हम कंप्लीट कर ले बी से सारे रूटवर्ड्लीट कर ले, से सारे तुमको अगर तुमको यही चाहिए तो तुम लिख दो ये yes, लिख दो फटाफट से एवरीबडी मैम ये सारे से, 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 जितने भी रूटवर्ड है उनको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीट करते रहेंगे Uh, सारे सिक्वेंस हम लोग ए बी सी तुम लोगों को सारे सीरीज से कंप्लीट होते रहेंगे अगर तुम लोगों को यही चाहिए तो एक बार बोल दो yes, वो कैबलरी जो याद करने का तरीका होता है वो तरीका जो होता है आप लोगों का मैं बताती हूँ आप लोगों का तरीका क्या होता है बेटा या तो तुम रूट वर्ड से वो कैबलरी को पकड़ना सीखो ठीक है रूट वर्ड से पकड़ना सीखो या तुम ट्रिक्स के साथ में याद करो ठीक है दो तरीके होते हैं वो कैबलरी याद करने के और ये रूट वर्ड्स तो तुमको याद करने ही हैं लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है बट जब हम यहाँ पर ट्रिक्स की बात करते हैं ये ट्रिक्स ऐसा नहीं है कि तुमने कोई आ, किताब उठाई और वहाँ पर तुम ऐसा नहीं है कि तुमको यहाँ पर यू नो व्हाट यू वॉट यू आर गोना डू इज़ लाइक कि तुमने आ, किताब उठाई और रटना शुरू कर दिया बेटा ऐसा तो नहीं ना करना होगा तुमको तुमको बस ये करना है यू हैव टू बी स्मार्ट इन सच्चावे कि मेरा एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू लर्न अननेसेसरी वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स आपको याद करने होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्यूज मी तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स का मतलब क्या होता है उसका मतलब ये होता है कि आपके जो न्यूज़पेपर में वर्ड्स आ रहे हैं ठीक है ओके आपके एग्ज़ाम प्रो मैक्स कौन कौन है टू पॉइंट ओ सचिन सर के ओ माई गॉड ये देखो ये चल रहा है यहाँ पर है यहाँ पर तुम्हारा काम ये है कि तुमने ट्रिक्स बस वो वर्ड्स द हिंदू के पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पढ़ना होता है आप लोगों को ऐसा नहीं कि तुम लोग वो कैबलरी ले कर रहो रटते रहो रटते रहो समझे कि नहीं समझे पर हिंदू के जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको एडिटोरियल पढ़िए और द हिंदू के वर्ड्स आप लोग याद करना शुरू किए दैट इज़ सफिशियंट था ओके जैसे तुम्हारा दिल भरे बेटा तुम लोगों को पीडीएफ से पढ़ना है पीडीएफ से पढ़ो तुम लोगों को खुद से पढ़ना है खुद से 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 पढ़ो पढ़ो ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ना है पढ़ो, जहां जहां मन भरे आपका जहां से आपको समझ में आए हमेशा वैसे ही करो जो चीज समझ में आए ठीक है तो यहाँ पर तुम सारे बच्चे अभी कमेंट करोगे जो बाद में भी देखेंगे अगर तुमको सीरीज चाहिए है तो तुम लोग लिख दो यस मैम यही किस क्लास में सीरीज चाहिए यस मैम सीरीज सीरीज चाहिए चाहिए है चाहिए है तो जब तुमको सीरीज चाहिए है तो हम कल से क्लास में तुम्हारे लिए लेके आएंगे और वरना तुम्हारे लिए कुछ और एक्साइटिंग भी करेंगे ऐसा नहीं है नहीं करेंगे विल प्लान समथिंग अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांटेड ठीक है तो तुम लोग अपना सजेशन आज क्लास में देना आ, क्लास के कमेंट्स में तुम लोग दोगे कि भाई तुमको क्या चाहिए है ठीक है कमेंट सेक्शन में आज तुम लोग सजेशन कि हम लोग ये कर सकते हैं और हम लोग ये चाहिए है okay? ओके ओके okay, हर्षा अभिज्ञान आकांक्षा अभिलाषा ठीक है हाँ बेटा यही तुम लोग नहीं कर पाते हो अभिलाषा है ना हाँ मैम ये येस मैम सीरीज चाहिए है कल थ्री पीएम की क्लास में ओके okay. uh, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए और एन तुम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम लोग अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में दोगे हम चेक करेंगे कि तुम लोगों ने क्या दिया एंड अकॉर्डिंगली विल डू अदरवाइज वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो रही है तुम लोगों के लिए और जो हमारा मन होगा फिर हम वैसे ही करेंगे बट तुम लोगों अगर सजेशन दे दोगे तो तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा राइट सो ए और एन का मतलब क्या होता है विदाउट ठीक है ए और एन का मतलब क्या होता है तो अब तुम लोग जब वर्ड्स देखोगे तो ये नोटिस भी करना शुरू करना है इसका मतलब ए सी आर और ए सी का मतलब क्या होता है शार्प सावर और बिटर एक्यूट जैसे लिखा हुआ है एक्यूरेट लिखा हुआ है एक्यूट का मतलब क्या होगा शार्प और सीवियर ऑफन एन यूज टू डिस्क्राइब द सडन ऑनसेट ऑफ एन इलनेस और कंडीशन बहुत एक्यूट पेन है बहुत ज़्यादा दर्द है एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है ठीक है आई बात समझ में कि नहीं आई एक्रिड का मतलब क्या होता है हैविंग अ शार्प पंजेंट और बिटर टेस्ट और स्मेल तो तुमने ए सी आर देखा तुमको कुछ नहीं पता था तुम अब यहाँ से ये अंदाजा लगाओगे इसका मतलब होता है शार्प सावर और बिटर इसको पढ़ते क्या है सावर पढ़ते हैं सावर ठीक है लाइक शावर होता है ना वैसे ही होता है सावर ठीक है हैविंग अ शार्प पंजेंट और बिटर टेस्ट और स्मेल यहाँ पर एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है बिटरनेस और शार्पनेस इन स्पीच बिहेवियर और झगड़ालू टाइप का तो तुम ये समझ सकते हो शार्प सावर और बिटर तो ए सी आर एक्रीमोनी लिखा हुआ है तो एकमोनी का मतलब पॉजिटिव तो नहीं होगा ठीक है हाँ ओके okay. सो so, यहाँ पर लिखा हुआ एसिड एसिड का मतलब क्या होता है सब्सटेंस विद द सावर टेस्ट और द एबिलिटी टू रिएक्ट विद द मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स एसोबिक का मतलब क्या होता है एसोबिक आप लोगों के एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब क्या होता है ऑथर की टोन कैसी है ठीक है एसओबिक का मतलब क्या होता है ऑथर की टोन कैसी है शार्प है सकास्टिक और इन अ स्पीच उसकी जो टोन है वो कैसी है हार्श टोन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं एसओबिक लगाते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकर इसका मतलब होता है अ यूनिट ऑफ लैंड एरिया टिपिकली यूज्ड इन एग्रीकल्चर टिपिकली यूज्ड इन उसको एकर्स लैंड होता है राइट एक हमारे पास जो तो एकड़ों जमीन है ठीक है एकड़ जिसका मतलब क्या होता है यूनिट ऑफ लैंड एरिया टिपिकली यूज्ड इन एग्रीकल्चर उसको हम क्या बोलते हैं एकड़ बोलते हैं ठीक है तुम्हारे लिए सबका जो हमने रिलेटेड मीनिंग है वो लगा के लिखे हुए हैं मतलब क्या होता है आई हाई फोर्टिफाइड एरिया और सिटिडल इन एशियंट ग्रीक और सिटीज अगर तुम लोग डेली इतना इतना याद करो इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं यहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी हैं वो भी तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर क्या लिखा हुआ एक्यू पंक्चर इसका मतलब क्या होता है अ मेडिकल प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व इन सर्टिंग थिन टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बॉडी टू एलिवेट पेन को कम करने के लिए और प्रोमोट हीलिंग तो उसे क्या बोलते हैं क्या होता है विदाउट कलर और द एबिलिटी टू सेपरेट लाइट इन टू इट्स डिफरेंट कलर्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ एक्यूमन एक्यूमन का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ माइंड और एबिलिटी टू मेक क्विक एक्यूरेट जजमेंट और डिसीजन तो हमने आज तुम्हारे लिए ए वाले और भी बहुत सारे हैं ठीक है तुम्हारा अगर हम ज्यादा दे देंगे तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं तुम लोग याद नहीं करोगे मुझे ऐसा प्रतीत होता है तुम लोग अगर इतना ही ध्यान से पढ़ो बेटा भी और भी है यहाँ पर हम तुम्हारे लिए लेके तो इतने सारे आए थे ठीक है बट हमें जितना समझ में आता है ये ए वाले तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं ए ये लिखे हुए तुम्हारे ए वाले काफी सारे हैं अगर तुम इतना ही तुमको अगर हम थोड़ा थोड़ा भी याद करवाएंगे तो तुम्हारे सारे जो है जेड तक की कवर हो जाएंगे बट अगर हम ये पढ़ाने लगेंगे तो कोर्स नहीं कम्प्लीट होगा ठीक है ओके देखो तो तुम लोगों को आज से हम इतना दे रहे हैं इतना तुम लोग सिर्फ याद करो ठीक है इतना ही तुम लोग सिर्फ याद करो बट हम लोगों का ये आ, मेरा ये आ, मानना है कि तुम लोग अगर ज्यादा दे देंगे तुम लोग स्किप करोगे ऐसा हमें लग रहा है पता नहीं क्यों तो और तुम लोगों का इसलिए तुम लोगों काम है इतना भी तुम लोग अगर डेली कर रहे हो वन स्लाइड भी कर रहे हो दैट इज गुड टू गो एटलीस्ट कुछ से स्टार्ट करते फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते रहेंगे बोलो सही है कि नहीं सही है ओके सॉर्टेड हो, ओके। okay. सो so, अभी आज तुम लोगों की कहानी यहीं पर ही खत्म करी वेल्डन well यामिनी अभिलाषा तनु प्रोमैक्स आयुष हर्ष इट्स सोनम एचता मुस्कान वेरी गुड नीरज वेलडन ये तुमको एनीवेज हम तुमको पीडीएफ देंगे तुम्हारा अगर मन हो तो तुम याद कर लेना फोर्स यू बट वो ए वाला तुम सारे बच्चों को याद करके कल की क्लास में आना ही आना है कल की क्लास में तुम लोगों को ये आना ही आना है क्या तुम लोग करोगे कोई तुम्हारे अंदर जोश नहीं दिख रहा है हम करेंगे नहीं करोगे तो भाई नुकसान करोगे अपना हाँ अब जोश दिखा ऐसे कैसे होता है कहना क्यों पड़ता है तुम लोगों को अब भैया इतना करना है तभी तो हम आगे बढ़ोगे यार तुमको नहीं करेंगे ये तो गलत बात है आप जब हम नेक्स्ट क्लास में आए तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इन्होंने ये काम करा है दैट आई शुड हैव कॉन्फिडेंस कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में और तुम लोग आज सजेशन दोगे कि मैम हम लोग ये कर सकते हैं और अगर सजेशन नहीं दोगे तो फिर कोई बात नहीं जबरदस्ती थोड़ी ना कहा जा सकता ठीक है तो अगर तुम लोगों ने ऐप को बाई चांस डाउनलोड नहीं करा फ्री का कंटेंट नहीं तुम अवेल कर रहे हो तो फिजिक्स वाला की ऐप को डाउनलोड करके आप लोग अपना नंबर डालोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स डालोगे बैंकिंग कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे ठीक है और यहाँ पर आप लोग लाइब्रेरी में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को कॉन्टेंट मिल जाएगा तो आप लोगों का काम ये है कि ये इसको ज़रूर क्या करना है आप लोगों को अवेल करना है आज जो हमने तुमको रूट वर्ड्स दिए हैं और जो तुमको हमने होमवर्क दिया है ठीक है ये काम तुम लोगों की जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे कल तो क्लास नहीं होगी दशहरा है तो कल क्लास नहीं होगी बट आई विश यू ऑल ठीक है तो कल तुम लोगों की क्लास नहीं होगी तो जब हम परसों क्लास में आएंगे तो तुम्हारा ये सारा के सारा काम होना चाहिए ठीक है so, सो हाँ मैम मैं, मैं याद तो कर लूंगा लेकिन क्लास में कैसे चलो अच्छा ठीक है तुम लोग बहुत पाजी बच्चे हो सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन कैसा लगा तुम लोग अंगूठा लगा के बताना और कुछ कुछ और हम लोग प्लान करते रहेंगे ऐसा ही टू गिव योर सजेशंस आल्सो ठीक है बाय लव यू ऑल